Castlebury railway station. तो गाइस फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जगह का नाम है फुलवरिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मेरी कुछ लोग आ रहे हैं जिनको रिसीव करने आया है, जो सामान शादी का शॉपिंग कर रहे हैं। ये फुलवरिया स्टेशन जो है लालू यादव का बनाया हुआ है, जो कि हमने एक ब्लॉग में दिखाया हुआ है। उसी स्टेशन पे 11 बजे रात को आकर हम खड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन आती है वो लगभग 11 बजे रात के बाद आती है। तो गाइज अब हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कानों में ट्रेन की हॉर्न सुनाई दे रही है। तो आइए गाइज हम दिखाते हैं, कुछ लोग आते हैं उनको। तो ये है शादी की तैयारी चल रही है। आइए गाइस फुलवरिया रेलवे स्टेशन एक बार दिखाते हैं रात में ये कैसा दिखता है। दोनों तरफ टिकट काउंटर है और अभी हम बीच सेंटर में खड़े हैं। कुछ इस तरह से रात में ये दिखता है। और आपको जब भी यहाँ से जाना हो सुबह में मीरगंज या थावे या सिवान, तो यहाँ पे 6 बजे करीब में ट्रेन यहाँ से जाती है। और अभी जो ट्रेन आ रही है, अभी टाइम हो चुका है 11:30, और देखिए ट्रेन अभी आ रही है। तो 11:30 बजे रात को आती है और 6 बजे सुबह जाती है। तो ये टाइम कुछ हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, बट इट्स ओके, ट्रेन तो कम से कम आ रही है। गाइस ट्रेन को और नज़दीक से दिखाते हैं। जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आ रही है, हम आपको इसके डब्बे भी दिखाते हैं विंडो से। गाइस यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट ही ट्रेन रुकती है। तो देखिए ट्रेन आ गई। अब यहाँ पर जितने लोग होंगे आसपास के, वो सब यहीं पर उतर जाएंगे। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से रिसीव करेंगे, फिर जाएंगे घर और कल शादी की तैयारी करनी है, क्योंकि कल राजजग्गा है और उसके बाद फिर बारात जाएगी। और यहाँ 2 मिनट के बाद ट्रेन यहाँ से जाने लगी है। गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शादी की फुल तैयारी चली है और आज रात में मेहंदी लगेगा और बहुत सारा काम रहता है जो कि किया जाएगा। तो गाइस सबसे पहले जितने भी लड़के होते हैं उनको एक जगह बुलाकर और ये लड्डू बांधने का काम दिया जाता है। और ये गांव के सबसे मशहूर लड़के हैं जो क्रिकेट बहुत ही अच्छा खेलते हैं और लड्डू भी फिलहाल बहुत अच्छा बांध रहे हैं। तो गाइस देखिए एक बार लड्डू का प्रोसेस क्या होता है। ये जो बुनिया बनकर आता है, उसके बाद लड़कों को बुलाकर और पानी हाथ में थोड़ा लगाकर और उसके बाद उसको बांधा जाता है, और बांधने के बाद इसको लड़की वाले के घर जाता है। शादी में वक्त आता है लहसुन और अदरक छीलने का, जो कि गोश्त में यूज किया जाएगा, गोश्त में डाला जाएगा। तो इसमें भी गांव के उन लड़कों को बुलाया जाता है जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं, और वो आकर ऐसे कुछ लहसुन को छीलते हैं और अदरक को छीलते हैं, और ये पूरा कलेक्ट किया जाता है। और काफ़ी टाइम लगता है इस प्रोसेस में, और उसके बाद फिर मस्ती करते हैं बाहर में, जो राजजग्गा बोलते हैं। अभी हम लोग बाहर चलेंगे और बाहर बैठे हुए हैं, सामने की तरफ थोड़ा डांस चल रहा है, और ये हैं दूल्हा साहब के साथ हम बैठे हुए हैं और इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। तो Watch now link in description. लाइन कटल वाला लाइन पैसा भी चला गया है, गए सारे पैसा भी आपका सैफ उद्दीन के अगली गेम, सैफ के अगली गेम और हमें बल्ले काम को बोले वाइट पड़ती है बॉल में आता है। खान भाई ने इस मुकाबले को 5 रनों से जीता।